सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है दालमा, या फिर इसे वेजिटेबल दाल कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी उड़ीसा और बंगाल में अक्सर मिलते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में भी ये रेसिपी पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ दाल है, बच्चे बड़े सबके लिए अच्छा है और टेस्टी भी है। फ्रेंड्स, ये दालमा को मैं आज थोड़ी सी डिफरेंट टच में बनाने वाली हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी आंध्रा टच देके, आंध्रा तड़का लगा के बनाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह की बनती है ये दालमा। लेट्स स्टार्ट। के लिए हमें चाहिए हाफ कप तुअर दाल, हाफ कप मसूर दाल, ये दोनों को हम भून लेंगे। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे एक पोटैटो, एक टमाटर, एक ब्रिंजल यानी कि बैंगन, थोड़ी सी 1/4 कप मैंने यहाँ पे ग्रीन पीस लिया है, ये फ्रोजन वाला है, आप फ्रेश वाली भी ले सकते हैं। थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स लिया है और ये कद्दू यानी कि पम्पकिन लिया है मैंने, ये कुछ 100 ग्राम है। फ्रेंड्स, आप इसमें कुछ सब्जी को अवॉइड करके कुछ सब्जी और ऐड कर सकते हैं, गवार ऐड कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। इसमें से कुछ आपको पसंद ना हो वेजिटेबल ऐसा तो उन्हें आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मसालों में 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, 1/2 टीस्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स लेंगे, और ये मेथी दाना, थोड़ी सी मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून, और ये फेनाल सीड्स यानी कि बड़ी सौंफ, ये दोनों को मैंने थोड़ी सी हल्का भून लिया है, रोस्ट कर लिया है, ये दोनों को हम कूट लेंगे दरदरा, और इसका पाउडर हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। ये इमली लिया है मैंने, थोड़ी सी इमली लिया है, एक छोटी नींबू से भी कम है ये, इसका हम भिगो करके इसका पल्प निकाल के डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 इंच अदरक को मैंने घिस लिया है, ग्रेट कर ले जिंजर को। सॉल्ट टेस्ट के अनुसार लेंगे। लहसुन के कली मैंने 7 लहसुन के कली लिया है, और 2 हरी मिर्च लेंगे, 2 ड्राई रेड चिलीज लेंगे, और थोड़ी सी करी लीव्स भी लेंगे। कोरिएंडर पाउडर यानी कि हरा धनिया थोड़ी सी लेंगे चॉप करके। तो फ्रेंड, चलिए पहले हम ये दाल को भून करके उबाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये कुकर ले लिया है, इसमें हम पहले दाल को भून लेते हैं। इसमें दाल में एक अच्छी एरोमा, अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर। इसमें हम घी या तेल कुछ नहीं ऐड करेंगे, इसे सूखा ही भुनेंगे। मैं इसे 3-4 मिनट के लिए इस तरह से भून लूंगी। फ्रेंड्स, देखिए, ये मैंने 3-4 मिनट से अच्छी तरह से दाल को भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप दाल है, 1 मसूर 1/2 कप है, तुअर दाल 1/2 कप है, इस तरह से 1 कप हो गया। तो हम इसमें 2.5 कप या 3 कप पानी डाल देंगे। सॉल्ट भी डाल देंगे। हमें वेजिस में भी सॉल्ट डालनी है, तो सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके हमें इसे 2 विजिल आने तक पकानी है। तो इसे हम हाई फ्लेम में रख के 2 विजिल आने तक पका लेते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारा कुकर का सीटी आता है, जब तक हमारा दाल उबल रहा है,
तब तक हम ये सब्जियों को छोटे छोटे काट लेते हैं। तो मैंने ये आलू को पील कर लिया है, इसका छिलका निकाल लिया है, अब हम इसे काट लेते हैं। पहले से सब्जियों को मैंने धो के ले लिया था। सब्जियों को थोड़ी बारीक काट ले, देखिए एक सीटी आ गई है। तो चलिए सब्जियों को मैं काट लेती हूँ और हमारा जो बड़ी सौंफ और मेथी है उसे भी कूट के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स ये सारे सब्जियों को मैंने काट लिया है, टमाटर भी काट लिया है और जो हमारा मेथी और फेनाइल सीड्स थे बड़ी सौंफ इसे भी मैंने कूट लिया है दरदरा। तो चलिए अब हम ये सब्जियों को पका लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये कढ़ाई मैंने ले लिया है, इसमें हम तेल डालेंगे। एक चम्मच मैंने तेल डाला है और इसमें हम डाल देंगे ये जिंजर, ये टमाटर भी डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम ये 2 मिनट के लिए हम ये टमाटर को भून लेते हैं तेल में। फ्रेंड्स देखिए ये टमाटर को मैंने 2 मिनट से भून लिया है, इसे स्मैश नहीं करेंगे, इसी तरह पीसेस में रहने देंगे। और इसमें हम अभी ये मटर डाल देंगे। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हो तो आप उसे ढक करके 2 मिनट भूने। मैं यहाँ पे फ्रोजन वाली ले रही हूँ, फ्रेश मटर उछलती है इसलिए मैं ढक ढक के पकाने के लिए ले रही हूँ। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, हमने ऑलरेडी थोड़ी सी हल्दी पाउडर दाल में डाले थे। और सारे मसाले भी डाल देंगे, रेड चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर हम लास्ट में डालेंगे। अब हम इसमें ये देखिए इमली का रस मैंने निकाल लिया है, पानी में एक 2-3 मिनट के लिए भिगो ले इमली को, उसका रस निकाल ले हाथों से मसलते हुए। और इसमें हम एक एक करके सारी सब्जी भी डाल देते हैं। फ्रेंड्स सब्जियों को डाल दिया हमने, इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, जितना सब्जियों को जितनी सॉल्ट लगेगी उतना ही डालेंगे क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी सॉल्ट डाला हुआ है। और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। और एक गैस को हम स्लो फ्लेम कर लेंगे और ढक करके इसे हमें 5 मिनट तक पका लेंगे। फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है और देखिए ये सब्जी पक गई है। आप चाहे तो इसे थोड़ी सी स्मैश कर सकते हैं या फिर आप इसे इसी तरह भी रहने दें, अपने चॉइस के ऊपर है। कुछ लोग इसे स्मैश कर लेते हैं जिनको दाल में इतना सब्जी बड़े बड़े पसंद नहीं होती है। तो चलिए अब हम कुकर के और बढ़ते हैं, हमारी सीटी आ गई है, कुकर भी ठंडी हो गई है। फ्रेंड्स सीटी आके कुकर ठंडी हो गई है, अब हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए दाल भी अच्छी तरह से गल गई है, आप देख सकते हैं। ये दाल को थोड़ा सा इस तरह से स्पून से स्मैश कर ले। ये दालमा के लिए दाल को पूरा नहीं गलाई जाती है, इसे स्मैश कर लेंगे तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगा। और इसे हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेते हैं जिसमें हमने सब्जी को पकाया है। फ्रेंड्स अभी ये दाल को हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं।
इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स देखिए इसका कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की चाहिए। आप अगर दाल को थोड़ा सा सब्जियों को थोड़ा सा स्मैश कर लेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी और ठीक हो जाएगी। वैसे भी दाल ठंडी होने के बाद ठीक कंसिस्टेंसी में आ जाती है, तो इतनी कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी जो है परफेक्ट है। और हम इसके अभी तड़का लगाते हैं, तो हम दूसरे तड़का वाले पैन या कढ़ाई कुछ ले लेंगे और तड़का लगाएंगे। कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें मैं तड़का लगाने वाली हूँ। हमारा दाल जो है वो दूसरे वाली चूल्हे पे उबल रही है। अब हम इसमें एक स्पून और तेल ले लेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। इसमें हम मस्टर्ड सीड्स डालेंगे और ये जीरा, राई और जीरा, ये दोनों को पहले थोड़ा सा तेल में फ्राई होने देते हैं। देखिए इसका आवाज आएगा चट चट। इसमें हम अभी डाल देते हैं हरी मिर्च, और हम इसमें अभी डाल देंगे ये रेड चिलीज। इसे मैं तोड़कर एक डालूंगी और एक इसी तरह से अखा डालूंगी। हींग डाल देंगे। फ्रेंड्स हींग मैंने इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई, के लिए सॉरी। ये लहसुन के कली जिसे मैंने, देखिए थोड़ी सी दरदरा कर लिया है, इसे स्मैश कर लिया है, इसे हम डाल देंगे। ये लहसुन को हमें थोड़ी सी गोल्डन कलर होने तक फ्राई करनी है तेल में। अब हम इसमें करी लीव्स डाल देंगे। अभी हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे ये कलर अच्छा देने के लिए। और हम ये तड़के को हमारे दाल वाले पैन में ट्रांसफर करेंगे। फ्रेंड्स ये तड़के को हम दूसरे ये दाल वाले पैन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम इसमें ये हमारे जो कूट के रखे हुए थे मेथी और बड़ी सौंफ के पाउडर, ये डाल देंगे 1 टीस्पून। मिला लेंगे और हरा धनिया भी डाल देते हैं। आप अगर थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो इसमें और आधा कप पानी डाल सकते हैं। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है। तो चलिए ये हमारे दालमा बनके तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे सर्व करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स हमारे दालमा या वेजिटेबल दाल बनके तैयार है। फ्रेंड्स आप इसे जब सर्व कर रहे हो थोड़ी सी तड़का ऊपर से लगाकर भी सर्व कर सकते हैं, दिखने में अच्छी लगेगी। ये खाने में तो वैसे भी टेस्टी है और हेल्दी भी है, पौष्टिक से भरा दाल है। बच्चे अगर वेजिटेबल खाने के लिए नखरे कर रहे नहीं खा रहे, तो उन्हें आप हमें कैसे भी करके वेजिटेबल्स खिलानी है, तो हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। उसमें से आप ये तरीका एक अपना सकते हैं, वेजिटेबल्स इसमें भरपूर है। आप उन्हें मनचाहा वेजिटेबल्स डालें, कैरेट बीट, आप उनके मनचाहा और वो हेल्दी भी हो उस तरह के वेजिटेबल्स डालें और तीखा थोड़ी सी कम करें। वेजिटेबल्स को स्मैश कर लें अच्छी तरह से, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो वेजिटेबल्स खा रहे हैं और वो आराम से खा लेंगे, वो भी खुश और हम भी खुश। तो फ्रेंड्स उस तरह से बच्चों को आप सर्व कर सकते हैं। बड़ों को सर्व करना है तो आप सेम इसी तरह बनाकर सर्व करें, हेल्दी है, टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।